जिला रेवाड़ी अनलॉक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी। 1, 2 और 3 का फॉर्मूला खत्म। आज खुला पूरा बाजार। दुकानदारों ने किया जिला प्रशासन का धन्यवाद। जरूरी सेवाओं को छोड़ रविवार को सभी दुकानें रहेगी बंद। भीड़ में कोरोना का खतरा ज्यादा। जरूरत पड़ने पर ही बाजार में जाए। जिला उपायुक्त ने जनता से की अपील, पहले की तरह करे सहयोग। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और लंबे समय के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 01 में रेवाड़ी जिला प्रशासन ने दुकानदारों को सोमवार से शनिवार तक कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद आज रेवाड़ी के बाजारों में खोई हुई रौनक फिर से लौटने लगी है। बाजार खुलने को लेकर दुकानदार बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जिला प्रशासन और सरकार का धन्यवाद किया है। तो वहीं संदर्भ में दुकानदारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाजार खोलना बेहद जरूरी था, जिसके जिला प्रशासन ने स्वीकृति दी और उसके लिए यह प्रशासन और सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने विश्वास दिलवाया है कि वह कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए सरकार की हर गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे और ग्राहकों को भी करवाएंगे। बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा। आज लंबे समय के बाद प्रशासन ने परमिशन दी है दुकानें खोलने की, क्या कहेंगे? आज लंबे समय के बाद जो प्रशासन ने हमें शॉप्स खोलने की जो इजाज़त दी है, हम उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी कोरोना जैसी बीमारी के लिए हम पूरे ही ध्यान देंगे कि हम खुद मास्क लगाएं और अपने जो हमारे कस्टमर आएंगे वो मास्क लगा के आएं। अगर कोई नहीं लगा कर आता तो हम उनको माल नहीं देंगे और पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, उनके हाथ भी सैनिटाइज कराएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का कि उन्होंने ये शॉप्स खुलवाई। थैंक यू सो मच। मैं पंजाबी मार्केट से पुनीत खुराना। पुनीत जी, आज लंबे समय के लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन ने पूरा सप्ताह दुकान खोलने की इजाज़त दी है, हाँ, क्या कहेंगे? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे खुद और दूसरे ग्राहकों को भी कहेंगे कि बिना मास्क के नहीं आए। देखिए, जिंदगी भी बहुत ज़रूरी है और व्यापार भी ज़रूरी है। हाँ जी, ये इस महामारी का हम खुद भी पालन करेंगे और दूसरों को भी कहेंगे कि मास्क के साथ आएं, बिना मास्क के सामान नहीं दिया जाए। क्या आप ऐसे ग्राहकों को भी सामान देंगे जो बिना मास्क के? नहीं, जो बिना मास्क आएगा उनको सामान नहीं दिया जाएगा।